यदि आप लोग स्कूल गए हैं तो आप ये जानते होंगे कि आपके स्कूल में जब भी कोई कार्यक्रम होता है या आपके कार्यक्रम होता था तो जो मेहमान स्कूल आते थे उनका कैसे आदर सत्कार किया जाता था। डिबेट कंपटीशन में तो अगर प्रथम स्थान उसी स्कूल को मिल जाए जो होस्ट होता था तो वो उस ट्रॉफी को नहीं रखता था और जो दूसरे नंबर पे आता था वो ट्रॉफी अपने स्कूल ले जाता था, है ना, ऐसा ही होता था। G20 हो रहा है देश में, हाँ प्रधानमंत्री जी अपना प्रचार अवश्य कर रहे हैं 2024 के चुनाव में, क्योंकि उन्हें तो दुनिया का प्रधानमंत्री या हो सकता है दुनिया का राष्ट्रपति बनने की चाह हो और या हो सकता है ब्रह्मांड का राष्ट्रपति बनना चाहते हो। लेकिन अगर आपके यहाँ जो मेहमान आते हैं आप उनका सत्कार ना करें तो क्या कहा जाएगा? अहंकार? नहीं, इसे पागलपन कहा जाएगा। जो तस्वीरें लगाई जानी चाहिए वो सारे नेताओं की बराबरी से लगाई जानी चाहिए और निश्चित तौर पर हमारे देश में अतिथि आ रहे हैं तो हमारे देश के प्रधानमंत्री की तस्वीर उनका स्वागत करते हुए लगाई जानी चाहिए। मगर तस्वीरें लगाई कैसे गई हैं? कोई भी बस स्टॉप हो, कोई भी होर्डिंग वाली जगह हो, कोई भी जगह, उस जगह को छोड़ा ही नहीं एयरपोर्ट से लेकर जहाँ जहाँ पर हमारे जो अतिथि दिल्ली में आए हैं उनके पहुँचने वाले रास्ते पर। एक मिनट की ये क्लिप है और ये देख लीजिए एयरपोर्ट से ये जो रास्ते हैं दिल्ली के, पूरा का पूरा लॉकडाउन जैसी स्थिति है। मगर मोदी जी हर जगह बस स्टॉप पे, पोल के ऊपर, बैनर की जगह, होर्डिंग की जगह, छोटा पोस्टर, बड़ा पोस्टर, सब जगह बस इन्हीं की तस्वीर है। इतना इनको खुद से प्यार है वो तो हमें पता है, मगर पूरे रास्ते में एक मिनट का ये वीडियो है और इसमें आपको दिखेगा कौन? केवल एक ही व्यक्ति। मतलब ज़बरदस्ती अपने आप को बताना कि मैं ही हूँ सब पर भारी, यही बता रहा है ये कृत्य इनका। ये देखिए कितने होर्डिंग है, जहाँ होर्डिंग की जगह नहीं भी है वहाँ पे भी लगा दिया। अरे अतिथियों की फ़ोटो लगा देते, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। चारों तरफ बस इन्हीं की तस्वीर, इन्हीं की तस्वीर, केवल मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी। और यहाँ तक कि अगर आप एक इनके ही नेता हैं कोई गोयल, उनकी ये तस्वीर देखेंगे तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने तो भाई एक कोई सर्वे करवाया गया होगा, जो सर्वे हमेशा कराए जाते हैं मोदी जी के चुनावों के पहले, उसमें उनका नंबर वन वो विश्व गुरु है ऐसा वाला पहला चौकटा उनका, फिर दूसरा किसी और का, तीसरा चौथा ऐसे, और आखिरी में आपको दिखेंगे अमेरिका। ये दिखाने की कोशिश कि अमेरिका से कितना आगे आ चुका है देश। वाह भाई वाह, सबसे सामने मोदी जी, 2, 3, 4, 5, 6, 7, अमेरिका के राष्ट्रपति का नंबर 7। तो अगर आप इसमें भ्रमित हो रहे हैं तो हो रहे होंगे, लेकिन अतिथि देवो भव में विश्वास करने वाला देश अपने अतिथियों का सम्मान नहीं करना, ये कहकर कि हमारा प्रधानमंत्री एक सर्वे के मुताबिक बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और दूसरे देशों के जो राष्ट्रपति हैं वो नहीं है, तो उसमें तो कुछ ही लोगों के लगाई गई तस्वीरें। और जो G20 है वो तो 20 देशों का समूह है, वो 20 देश भी नहीं है, 19 देश हैं और 20वां जो है वो यूरोपियन यूनियन है, जिसमें कई देश है क्योंकि वो कई देशों का समूह है। इसका मतलब हम अपने अतिथियों का अपमान कर रहे हैं। और साथ में एक CNBC के पत्रकार ने क्या कहा, वही इंटरनेशनल पत्रकार है, अब क्या करें, देश में खड़े होके बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि मोदी जी ने अपना स्पेक्टिकल बनाया। मतलब अब स्पेक्टिकल बनाया इसका मतलब समझाना बड़ा मुश्किल है, इसका मतलब है कि अपना ना जुलूस निकलवा लिया टाइप का, ऐसा मतलब होता है। Here, this summit in Delhi, the whole event threatens to be overshadowed actually by Prime Minister Modi and by India. And we talked about how he's been attracting a lot of criticism from the opposition and generally critics, saying that he's using this event as almost a way to start campaigning early for elections here in India, which are likely to be held in about 8 or 9 months or so. And he's pulled out all the stops. He's made a real spectacle of the G20. We talked about how on the streets of Delhi, every
few meters or so, there are posters all over the place, hundreds if not thousands of them, advertising the G20 with Modi's face on them. And in terms of making a spectacle of it, कि हर जगह उनकी तस्वीर और जो दूसरे नेता हैं उनको बराबरी से सम्मान नहीं दिया गया, तो इसमें देश का सम्मान किया जा रहा है या देश का अपमान? हाँ, मोदी जी को अपनी तस्वीरें खिंचवानी है, इसलिए हर जगह पर वो खड़े होकर वो तस्वीरों को खिंचवाएंगे, मतलब उसमें भी वो दिखेंगे कि अकेले चल रहे हैं, कैमरा वाले हैं, और जो उनके मंत्री हैं उनको छोटे मोटे सब काम दे दिए जाएंगे। लेकिन देश का सम्मान तो तब होता अगर देश में आप दिखाते कि हमारे यहाँ कैसा भाईचारा है, हम कैसे हर एक का सम्मान करते हैं, तभी तो वो सोचते कि हम उनका भी सम्मान करेंगे। अगर हमारे प्रधानमंत्री दुनिया को ये दिखाने लगे कि हम अपने यहाँ अपने लोगों का सम्मान नहीं करते, तो इससे क्या उनका सम्मान बढ़ेगा? ये आप भी सोचिए, ये उनके सोचने के बस की बात नहीं है, क्योंकि इस वक्त सत्ता के लिए वो पागल हो चुके हैं।